सिटी फास्ट में आपका स्वागत है और आज आर्ट एक्सपो का सेकंड डे है और सेकंड डे में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे विजिटर्स यहाँ पे आ रहे हैं और एक बहुत ही सुंदर स्टॉल के ऊपर हम आए वर्षा जैन मैडम के यहाँ पे। सो आर्टिस्ट से मिलेंगे, उसके बाद पेंटिंग्स देखेंगे और डिस्कस करेंगे अबाउट द आर्ट। उससे पहले मैडम आप कुछ मैसेज देना चाहते हो जो लोग देख रहे ये एक्सपो आज यहाँ पे चल रहा है और जो अभी तक आए नहीं, यहाँ पे विजिट नहीं दी उन्होंने अभी तक, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहते हो? सो मैसेज मेरा ये रहेगा कि बिल्कुल विजिट कीजिए, बिकॉज आई थिंक इस प्लेटफॉर्म पे जितनी ज़्यादा वैरायटी आपको देखने मिलेगी, आई डोंट थिंक और कहीं पर आपको देखने मिलेगा। इतने अलग अलग टाइप के आर्ट फॉर्म्स हैं, बहुत अलग अलग जगह से यहाँ पर आर्टिस्ट आए हैं एंड एक ही शेल्टर के अंदर आपको इतना सब कुछ देखने मिलेगा, इतना एक्सपोजर है यहाँ पर। आप अगर आपके बच्चों को, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन को भी अगर आप कुछ प्रोत्साहन देना चाहते हो, सो आई बिलीव दिस इज़ द बेस्ट एवर प्लेटफॉर्म एंड डेफिनेटली नॉट टू बी मिस्ड। और आप कहाँ से आए मैडम? आई बिलोंग टू पुणे, आई एम फ्रॉम बिबेवाड़ी मार्केटयार्ड एरिया और हमारा फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेशन है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग द फुटफॉल इज़ वेरी गुड, अप्रिसिएशन जो हमें मिल रहा है, वी आर रियली वेरी हैप्पी विद दैट एंड आई बिलीव जो लोग नहीं आ रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा मिसिंग होने वाला है ये। सो आपके पास और दो दिन है तो ज़रूर प्लान कीजिए और आइए, बिकॉज इट्स अ वीकेंड, सो आई थिंक येस यू शुड टेक द बेनिफिट ऑफ इट, और क्योंकि बच्चों के वेकेशन चल रहे हैं, सो अगेन छुट्टियों के लिए कुछ लोग आए हुए हैं पूना में, तो उनको भी बकायदा लेकर आइए यहाँ पर। यस यस, वर्षा मैडम ने बहुत ही अच्छा एक मैसेज दिया है सब लोगों को कि आना चाहिए यहाँ पर। अभी हम देखते हैं आपका आर्ट वर्क, तो एक बार कैमरा सारा स्टॉल के ऊपर मूव करिए प्लीज। सो इसमें से हम किसी भी एक पेंटिंग के बारे में बोल सकते हैं। यस, यू कैन टेल अबाउट दैट। सो ये पेंटिंग के ऊपर आप जूम करिए प्लीज। यस मैम, तो थोड़ा लाउडली बात करना पड़ेगा। सो द फर्स्ट थिंग इज ये सारे मेरे स्टूडेंट्स के काम है एंड आई एम द टीचर, और ये वाला जो पर्टिकुलर स्केचिंग आप देख रहे हो, दिस इज़ मेड इन ग्रेफाइट एंड इफ़ यू सी दिस इज़ गिविंग अ मैसेज ऑफ मेडिटेशन, द कामनेस, द सी शोर एंड हाउ काम द बैकग्राउंड इज, सो दैट्स वॉट इज बींग प्रेडिक्टेड हियर एंड ऑल्सो द स्टूडेंट विच इज सेलेक्टिंग द पेंटिंग द काइंड ऑफ वर्क, वो बहुत कुछ डेपिक करता है उसकी अपनी पर्सनालिटी के बारे में। सो आई थिंक ये जो स्टूडेंट है मेरी वो ऑलरेडी स्पिरिचुअलिज्म में बहुत ज़्यादा है, तो अगर वो ये ऐसा कुछ चूज़ करती है तो ये बहुत नेचुरल सी बात होती है उसके लिए। सो दैट्स इट। या सो अभी हम बात कर रहे थे वर्षा जैन मैडम से और उनके साथ उनके स्टूडेंट्स भी यहाँ पर है। आप लोग, आप में से कोई लोग अगर स्टूडेंट्स है तो वो भी यहाँ पे विजिट दीजिए, बहुत अच्छे आर्ट वर्क यहाँ पर है। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे आर्ट वर्क है और उसके बारे में मैडम ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। सो थैंक यू सो मच, आप देख रहे हैं सिटी फास्ट। थैंक यू सो मच।